मेरा नाम मैं हार्ट वर्ल्ड मेरा घर है। मेरा पति का नाम रामचंद्र शर्मा है। उसने मुझे बहुत सताया, उसकी पूरे फैमिली ने मुझे सताया, यहाँ तक कि सुबोल चेयरमैन और प्रदीप शर्मा भी मेरे नाम से अफवाहें उठाए कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। मैं एक साल से बर्दाश्त किया पर मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने परिवार के उलझने और नहीं देख सकती। इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है, मुझे मरने पे मजबूर किया इन लोगों ने। इससे मतलब मेरा घर से निकलना भी जोकर में प्रदीप शर्मा और सुबोल चेयरमैन और मेरे पति गांव में जहाँ था मेरे विषय में उफाए उठाए, गंदे गंदे लफ्ज में मुझे समझना। ये लोग राजनीतिक में मेरी जान जा रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि इन लोगों को छोड़ना नहीं है, मेरे मौत की जिम्मेदारी यही है। मेरे दो बच्चे भी है। जब से मैं इनसे शादी किया हूँ इसकी फैमिली के जुल्म सहते सहते तंग आ गई। इन लोगों को नहीं छोड़िएगा। मेरी मम्मी का घर मनियारी नवाबगंज में है। पापा का नाम जनार्दन शर्मा है। अब तो मेरी बहन का घर इमामनगर में है, शिव मंदिर टोला में। वो लोगों भी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत बहुत इस घर को सपोर्ट किया। हर चीज से टका पैसा खाना हर चीज मुझको दिया। उन लोगों के सहारे में जी रही थी, हर जुर्म इन लोग का बर्दाश्त कर रही थी। बर्दाश्त तो अधिक कर दिया इन लोगों ने। तनवीर मुखिया और बिंदु देवी का गलत संबंध लगभग 4 साल से चल रहा है। 4 साल से हम झेलते झेलते मेरा जिंदगी पूरा तबाह है, पूरा जिंदगी तबाह है। मेरे यह तनवीर मुखिया फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए तनवीर मुखिया से, बोले कि किसी का परिवार उजाड़ के तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा, आज तुम रे चलते मेरा वाइफ हमको नहीं मानता है, हमको कोई यानी चीज नहीं होता है, हमसे खाना पीना कोई बारे में नहीं पूछता है, चुपचाप हम घर में रहते हैं और खाना दिया दिया नहीं दिया तो अपने से बनाते हैं, अपने से चौका बर्तन, अपने से झाड़ू हर काम करते हैं, तब एक पेट हमको भोजन मिलता है, उसमें भी गाली गलौज बहुत देता है, मार पीट करता है, केस फलदारी करता है, ये सब टोटल चीज़ तनवीर मुखिया ने करवाता है। ये तनवीर मुखिया के चलते मेरा जिंदगी बर्बाद है, पूरा जिंदगी बर्बाद है। ऐसा भगवान किसी का भी घर में ऐसा घटना नहीं हो जो कि दूसरे के चलते अपना घर बर्बाद हो जाए। ये तनवीर मुखिया ने सब चीज़ करवा रहा है। ये तनवीर मुखिया थोड़ा सा भी उसको बुद्धि नहीं है कि एक मुखिया होके एक प्रतिनिधि आदमी होके ऐसा क्रम करेंगे तो पंचायत में हमको कौन देखेगा,
कौन किसका नज़र में हम रहेंगे। दुनिया सब कोई बोलता है, जिधर भी जाते हैं उधर ही बोलता है कि तुम्हारा पत्नी से यानी तनवीर मुखिया फंसा हुआ है। कुछ नहीं बोलते हम, शर्म के मारे चुपचाप हो जाते हैं। यदि तनवीर मुखिया खूब प्यार करता है बिंदु देवी से तो उसको अपना ले, वो अपना घर में लेके चले जाए, हमको कोई त्रुटि नहीं है, वो अपना घर लेके चले जाए। मगर हमारा घर में रहेगा, हमारा पत्नी बन के और गलत संबंध बनाएगा तनवीर मुखिया से, ये क्या यानी करिश्मा है। तनवीर मुखिया ने सब चीज़ मना किया है कि उसके पास नहीं जाना, उससे बातचीत मत करो, उसको खाना पीना मत दो, वो अपने मर जाएगा। हैं, यदि यानी नहीं मरेगा तो हम उसको मरवा देंगे, ये सब तनवीर मुखिया उसको बोलता है और वो करता है, बिंदु देवी ने करता है। तो ऐसा काम तनवीर मुखिया को करके क्या यानी लाभ मिल रहा है, उसका बीवी बच्चा है, सब कोई है, हैं, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो यानी हम उसका क्या किए हैं, कौन दुश्मनी की है जो कि मेरा पत्नी को कब्जा करके रखा है। इस वीडियो को जितना आदमी के पास जाएगा शेयर करते रहना, जो कि इसका सही से विचार हो जाए। ये तनवीर मुखिया बहुत गलत कर रहा है, मेरे साथ में बहुत अन्याय कर रहा है, हम इस कारण से एकदम पूरा एकदम इथी हो गए हैं कि हमारा जान किस समय जाएगा, किस समय ले लेगा तनवीर मुखिया, कोई गारंटी नहीं है। वो हमको बोला है कि हमारे पास में 6 रन गोली वाला यानी सामान भी है, हैं, हम यानी हमको डराता है ऐसे बोल के, और पैसा का तो कमी नहीं है, जो भी यानी कर्म करना पड़ेगा हमको हम कर देंगे, पैसा बहुत है मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम गरीब हैं, तनवीर मुखिया अमीर है, तो क्या हमारा परिवार को सब मिटा देगा तनवीर मुखिया? मिटा देगा तो ठीक है, मिटा दे, हैं, मगर इसका पूरा जिम्मेवार तनवीर मुखिया है। उनके ऊपर आरोप लगा एक वीडियो भी वायरल हुआ है, देखा आपने? हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, मतलब व्हाट्सएप में दिखाई पड़ रहा है। अब दोनों का बात अपना अपना बयान, पति पत्नी का बयान तो हम लोग देख ही रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, और हमें लगता है कि दोनों पक्षों को अपना अपना बात रखना चाहिए, क्या सच्चाई है इसके बारे में जांच होनी चाहिए, और जांच कर जो दोषी है उसे सज़ा तो मिलती ही है, कानून का ये तो नियम है कि जो दोषी व्यक्ति होते हैं उसे सज़ा मिलती है। और मैं यही कहूँगा, ये आरोप है या सच्चाई है इसकी हकीकत रूप से जांच होनी चाहिए, मैं अपने तरफ से यही कहना चाहूँगा। क्या पंगे? बिल्कुल रखनी चाहिए, अगर उन पर आरोप लगता है तो मुखिया जी को भी अपनी बात रखनी चाहिए, इस सफाई में वो जो कह सकते हैं वो कहेंगे, अपने प्रूव करेंगे कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझ पर लांछना लग रहा है, यह सच्चाई तो उनको सामने लाना ही चाहिए।